भाजपा के राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक वालों अज अमृतसर बीजेपी दफ्तर में प्रैस वार्ता की गई। पत्रकारों नाल गलबात करदिया कहा कि इन्हीं दिनी जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि खेती सुधार बिल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों लियांदे गए हैं, वह किसानों के हित में हैं। इसते हुण राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनियां राजनीतिक रोटियां सेक रहियां हन। 2017 दे चुनावी मैनूफेस्टो च कांग्रेस ने भी इन्हां बिलां नूं लागू करन दा मता पाया होया सी। हुण जदों इन्हां बिलां दा विरोध होण लगा तां कांग्रेस दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पलटी मार गए। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल जो हुण इन्हां बिलां दा विरोध कर रहे हन, जदों इह बिल पास होए सन तां उदों सुखबीर बादल वल्लों भी अपनी सहमति जताई सी। मुद्दे ते आ रहा किसान भाई साड़ी जान ने, किसान भाई साड़ा शान ने, किसान भाई साड़ा सम्मान ने। आज मोदी जी जे दो वारी प्रधानमंत्री बने ने तो किसान भाइयों करके प्रधानमंत्री बने ने, और उन्होंने सिर्फ गुमराह कर रही ने कुछ विपक्षी पार्टियां। ये जेडे मोदी जी तो ज़्यादा किसानों का शुभ चिंतक कहड़ा हो सकता है, पंजाबियों का शुभ चिंतक कहड़ा हो सकता है। देखो कदों तो स्वामीनाथन रिपोर्ट आई हुई सी, पर स्वामीनाथन रिपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डेढ़ गुनी किन्ने की मोदी जी ने की, और कई लफ्जा ही नहीं की, कांग्रेसी आंगू झूठे वादे नहीं किए। डेढ़ गुना प्राइस होई, वह डाटा प्रेस कोल और सारे देश को है। हाले भी मोदी जी बैठे नहीं, उन्होंने कहा है कि इस देश का किसान जब तक समृद्ध नहीं होएगा, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस किसान की आमदन दुगनी करनी है। अज एक एकड़ के 30,000 तो 50,000 तक की आमदन होंगी है। मोदी जी चाहते हैं कि लखा रुपए की आमदन होए, एक एकड़ के झोना के कणक लाइए तो 30 से 50,000, 30 से 50,000 की आमदन है। उत्थे ही जो फ्लोरीकल्चर किया जाए, फुलां की खेती की जाए, उत्थे ही जो असी अपना ब्रोकली लगाइए, उत्थे जो असी मेडिसिनल दवाइया के जोड़े पौधे ने वो लाइए। मैं पिछले एक अखबार पढ़ रहा सी कि एक किसान ने एक्सपैरिमेंट किया, एक एकड़ उन्हें खीरे लाए और एक एकड़ लगभग 50,000 इनकम होंगी है झोने से कणक की। 5 लाख रुपए उस किसान ने खीरे ला के उस एकड़ चो कमा ले। मोदी जी यही चाहते ने कि एक्सपर्ट्स के नाल एग्रीमेंट होए किसानों का। किसान एजुकेटेड नहीं है, वो किसानों नाल एजुकेटेड लोग आ के एग्रीमेंट करन और वो उन्होंने टेक्नोलॉजी भी देन, उन्होंने अवेयर भी करन, उन्होंने एजुकेट करन, जिदे नाल के नवी नवी तरह की खेती दी जिहड़े एक्सपैरिमेंट है ने वो किते जान। केवल झोने के कणक के उत्ते असी डिपेंडेंट ना रहिए, उस करके उन्होंने 3 कानून जिहड़े ने जिहड़े APMC एक्ट दे लियांदे। पहला कानून तो यह लियांदा कि जिहदे विच उन्होंने कहा कि किसान नूं स्वतंत्र करो, पुराना सिस्टम रहेगा। जे किसान मंडी च बेचना चाहता उन्हें मिनीम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, ये उन्होंने का वादा है। उन्होंने कोई नवा कानून नहीं लिया, पहले लैट्स मेक इट क्लीयर टू एवरीवन, दिस इज नॉट अ न्यू लॉ, ये एक अमेंडमेंट है। सैकेंड वो जो है कि किसान जो बाहर भी बेचना चाहता रस्ता जी के मंग कांग्रेस सरकार वेले आती रही, और कांग्रेस सरकार जो दूजिया विपक्षी पार्टियां उत्ते मोहर लादिया रही। दूजा उन्होंने किया कंटैक्चुअल फार्मिंग। कंटैक्चुअल फार्मिंग है कि एक एक्सपर्ट है फार्मिंग का, पढ़िया लिखा है, वह आके किसान दे नाल एग्रीमेंट कर लेगा कि मैं तुहाडे 1 एकड़ दे विच ब्रोकली लगावांगा, यह ब्रोकली तुसी लगाओ, यह बीज है, यह नोहाओ है, यह टेक्नोलॉजी है, और इहदी जो आमदन होएगी असीं आपस विच वंड लांगे। और उहदे विच भी एक्ट दे विच सारा कुछ किसान नूं दित्ता, जे वह आमदन वध जाएगी तो किसान किसे ले भी एग्रीमेंट तो बाहर आ सकदा, बायर नहीं आ सकदा, सैलर आ सकदा। और उहदे इलावा किसान जिहड़ा है वो किसी वेले भी प्राइस रिवीजन जिहड़ा हैगा उहनू एंजॉय कर सकदा। न्यूज़ डेस्क तो शिखा पंडित दे नाल मनिंदर कौर, वॉइस ऑफ पंजाब, अमृतसर।